हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2014 का, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। तो ये पेपर टू जो है अपर प्राइमरी, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो इसमें हिंदी का जो पार्ट है वो सॉल्व करेंगे, और हिंदी का जो लैंग्वेज आती है यूपी में, हिंदी हो या इंग्लिश हो, वो प्राइमरी के लिए अपर प्राइमरी के लिए एक ही होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिलेबस भी सेम ही है जहाँ तक है, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो लाइक करें, कमेंट करें। तो इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे, और यूपी टेट के हो गए, सी टेट के और केवीएस के आ रहे हैं, उसके भी स्टार्ट करेंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हिंदी वाला पार्ट हम पहले करते हैं, बाकी हम बाद में करेंगे। जो है इसमें है भाग टू, हिंदी भाषा फर्स्ट जो लिखा हुआ है इसमें, इसको हम सॉल्व करेंगे आज, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 60 तक इसमें हिंदी के क्वेश्चन है, तो इनको हम देखते हैं सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 31 है, भजे मन भावन के उधब के आवन की सुधी ब्रज गावनी में पावन जबे लगी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो आपको जो ये मिलेंगे क्वेश्चन, ये जो यूपी में बुक चलती हैं एससीईआरटी की, जो टेक्स्ट बुक होती हैं, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, तो वहाँ पे ये मिल जाते हैं, ठीक है। तो इनके रचनाकार कौन थे, इनके रचनाकार थे कौन, जगन्नाथ दास रत्नाकर जो ये थे, जगन्नाथ दास ये इनके क्या थे, रचनाकार थे, ठीक है। और ये कहाँ से ली गई हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ये मैं बता देता हूँ आपको। ये जो पंक्ति किससे ली गई हैं, ये ली गई हैं उद्धव, ठीक है, उद्धव शतक से ली गई हैं, उद्धव शतक से ये पंक्ति ली गई हैं। अगर क्वेश्चन आता है ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, उद्धव शतक से ली गई हैं, तो इसका जो आंसर है फोर आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा नागेंद्र ने, ठीक है। तो ये जो है कौन से, किस युग में, इसमें जो है युग पूछा है, जो कि ये आता है किसमें, छायावाद में, किसमें आता है, छायावाद में। और जो इसका टाइम है, जो टाइम है ना इसका, वो है 1917 से लेकर कहाँ तक, 1939 तक इसका जो काल था, ये छायावाद काल जो था। आज क्वेश्चन आ जाए छायावाद काल कब तक था, तो 1970 से लेकर 1939 तक छायावाद काल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी तिब्बत यात्रा, बहुत ही फेमस है ये, मेरी तिब्बत यात्रा ये पढ़ी थी हमने भी, ठीक है। के रचनाकार कौन है, तो इनके रचनाकार कौन है, राहुल संक्रत यायनन तो हैं इनके जो है रचनाकार हैं। फोर इसका ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बात का गुड़ रहस्य, किसी बात का गुड़ रहस्य जानने वाला वाक्य के एक शब्द का, एक शब्द क्या होगा, किसी बात का गुण रहस्य जानने वाला इसका एक शब्द क्या होगा, ये हमें देखना है। इसका जो आंसर है, आंसर तो इसका ये है, मेमरे मेमेग, ठीक है। आंसर जो फर्स्ट है इसका, इसको कहते हैं मेमेर को क्या, किसी बात का गुण रहस्य जानने वाला, ठीक है, ठीक है। इसमें इसका मतलब हुआ, इसका ऑप्शन ये हो गया। अब आता है सुबीगा किसे कहते हैं, ठीक है, सुबीगा कहते हैं अच्छी तरह से जानने वाला। अगर सुबीगा पूछा जाए, इसको कहते हैं क्या, अच्छी, पेन नहीं चल रहा कि, अच्छी तरह से जानने वाला, अच्छी तरह से जानने वाला क्या कहलाता है, अच्छी तरह से जानने वाला क्या कहलाता है, सुविक। नेक्स्ट है इसमें विद्वान, विद्वान तो आप लोग जानते हैं, बहुत अधिक ज्ञान वाला, जो बहुत ही ज़्यादा जिसके पास ज्ञान है। और निगुण क्या है, निगुण कहते हैं क्या, अत्यंत गुप्त, इसको क्या कहते हैं, अत्यंत गुप्त, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है अत्यंत गुप्त क्यों, क्या कहते हैं, निगुण कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है, हे राम जहाँ पे ये आ जाना, हे राम, हे तूने क्या किया, ठीक है। तो इसमें जो आता है ये जो चिन्ह है, ये किसका, ये संबोधन का चिन्ह है। इसका जो आंसर होगा कौन सा, थ्री आंसर सही है इसका, संबोधन चिन्ह है, याद रखिएगा, ये एक्सक्लामेटरी जो कहते हैं उसको, ये जो चिन्ह है संबोधन चिन्ह को ये दर्शाता है, कारक जो होता है इसमें कौन सा, संबोधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापा शब्द की कौन सी संज्ञा है, बुढ़ापा जो है वो शब्द की कौन सी संज्ञा है, ये हमें इसमें बताना है। तो बुढ़ापा क्या है, एक बुढ़ापा क्या है, एक भाव दर्शा रहा है, बुढ़ापा तो क्या है, भाव है, भाव, बूढ़ा हो गया, जवान है, ये क्या है, भाववाचक है। तो इसका जो आंसर होगा, सेकेंड आंसर इसका सही होगा, भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकूल, इसमें पूछा उपकूल
में कौन सा समास है? उपकूल अर्थात कूल के समीप। उपकूल मतलब क्या है? कूल के समीप, कूल के समीप, याद रखिएगा इसका अर्थ क्या है, कूल के समीप उपकूल। तो इसमें क्या है, पूर्व पद जो है प्रधान है, जो जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है वो होता है कौन सा, अव्यय भाव समास। तो है इसका आंसर जो है 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम लोग प्रत्यय कहते हैं, आप लोग भी जानते होंगे उनको क्या कहते हैं, प्रत्यय। कब जो अंत में जोड़े जाते हैं और जो स्टार्टिंग में जोड़े जाते हैं उन्हें कहते हैं उपसर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इनमें जो है किस शब्द में उपसर्ग का जो प्रयोग हुआ है वो किस में, उपकार में हुआ है, इसको कैसे करेंगे हम, जैसे उप प्लस कार, ठीक है उपकार। तो ये जो क्या है, ये मूल शब्द है हमारा, ये जो है मूल शब्द है, ये क्या है उपकार, उप जो है ये क्या है उपसर्ग है, क्या है ये उपसर्ग, तो याद रखिएगा उपसर्ग है। आगे जोड़ा जाता है उपसर्ग, पीछे से जोड़ा जाता है इसमें तब प्रत्यय। तो इसमें दोनों क्वेश्चन ये हो गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औंधी खोपड़ी का मुहावरे का अर्थ है, औंधी खोपड़ी, ठीक है तो आप लोग जानते होंगे औंधी खोपड़ी, इसका क्या, मूर्ख होना, औंधी खोपड़ी मतलब क्या, मूर्ख होना, इसका आंसर जो है फर्स्ट ही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं, त्यागपत्र जो है उस वो एक क्या है उपन्यास है, उसके उपन्यासकार कौन हैं ये हमें इसमें बताना है, ठीक है। तो इसके जो ये हैं जनेंद्र जो हैं, इनके क्या हैं ये उपन्यासकार हैं, और जो है इसका जो प्रकाशन भी लिख देता हूँ मैं, प्रकाशन कब हुआ है, ठीक है प्रकाशन हुआ 1937 में, किसमें 1937 में जो है प्रकाशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा, मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा, तो इसको याद रखिएगा ये पूछा जा सकता है। तो ये लिखा था कि उन्होंने जॉर्ज अब्राहम कहाँ है, सेकंड पे है, इसका आंसर जो होगा जॉर्ज अब्राहम सेकंड है, और ये कहाँ कब लिखा, 1887 में लिखा गया था, 1887 में ये जो है लिखा गया था, इसका आंसर सेकंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें से हमें जो है शुद्ध वाक्य पहचानना है, कौन सा शुद्ध वाक्य है, उसने मुझे पास आने के लिए कहा, सेकंड है उसने मुझसे पास आने को कहा, थर्ड है उसने मुझे पास आने को कहा, फोर्थ है उसने मेरे पास आने के लिए कहा। तो इसका जो ऑप्शन है 3 जो है ये क्या है, शुद्ध है, ये थ्री सही है, उसने मुझे पास आने को कहा, इसका जो आंसर है 3 आंसर सही है, ठीक है। चलिए एक ये छंद का क्वेश्चन है 44, देखिए, मुख होई बाचल पंगु चढ़े गिरिबर घैन, जासू कृपा सो दयाल द्रव सफल कली मल दहन। प्रस्तुत पंक्तियाँ जो हैं ये कौन से छंद की हैं, इसमें हमें छंद बताना है, छंद में क्या होता है, इसमें मात्रा हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो वैसे तो ये क्या है, सोरठा से हैं, सोरठा, ठीक है, ये जो पंक्तियाँ किससे हैं, सोरठा से हैं, सोरठा में क्या होता है, इसमें जो है फर्स्ट में एंड किस में, थर्ड में, इसमें कितनी होती हैं, 11 मात्राएँ होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं, और सेकंड एंड फोर्थ में 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो 11 प्लस 13 वाला जो होता है छंद होता है उसको क्या कहते हैं, उसको सोरठा कहते हैं, ठीक है। जो इसका जो ऑप्शन है फर्स्ट आंसर है जो है इसका सही है। चलिए और ये दोहे के अपोजिट होता है, ये भी याद रखिएगा, दोहे के अपोजिट जो होता है ये सोरठा होता है, दोहे के अपोजिट, दोहे में क्या होता है उसका उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है, हमें बतानी है इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो शुद्ध वर्तनी जो है इसमें विशेष जो है फर्स्ट आंसर इसका शुद्ध वर्तनी है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली सरल गुप्त ने नहीं लिखा है, मैथिली सरल जो गुप्त हैं उन्होंने कौन सा इसमें से नहीं लिखा है ये हमें देखना है। इसमें जो है कामयानी,
कामयानी जो है ये इन्होंने नहीं लिखा है, ये जो है कामयानी ये लिखा था किसने, जयशंकर प्रसाद ने, किसने, जयशंकर प्रसाद की है, किसकी है, जयशंकर प्रसाद, जो कि लिखी गई थी कि 1936 में, ये भी याद रख लिएगा सन 1936 का भी सन भी पूछ लिया जाता है जयशंकर प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चौराहा, बहुत ही पूछा जाता है, रिपीट होता है बहुत। चौराहा किस, चौराहा शब्द में कौन सा समास है, चौराहा मतलब चार रास्तों का समूह, इसमें क्या है पूर्व पद जो है वो क्या है, पूर्व पद चौराहा में क्या है वो संख्यावाचक है, जिसमें पूर्व पद संख्यावाचक हो वो क्या कहलाएगा, वो द्विगु समास कहलाएगा। तो इसका आंसर जो होगा फर्स्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना पढ़ा हु क्या है, बिना पढ़ा हुआ अंश, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए शब्द होगा, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए शब्द होगा, क्या कहलाएगा, अपठित, बिना पढ़ा हुआ क्या कहलाएगा, अपठित। इसका जो आंसर है फर्स्ट आंसर सही है इसका, अपठित मतलब बिना पढ़ा हुआ, ठीक है। और इसमें अभ्रंश, अभ्रंश मतलब होता है, अभ्रंश मतलब बिगड़ा हुआ, ये भी याद रखिए क्या है ये, बिगड़ा हुआ, कभी यही पूछा जा सकता है नेक्स्ट पेपर में, बिगड़ा हुआ। नेक्स्ट एक मौलिक, ठीक है, क्या है मौलिक, मौलिक मतलब होता है रियलिटी, वास्तविक, इसको हम कह सकते हैं क्या, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक जो है हम कह सकते हैं इसको, मौलिक मतलब वास्तविक, और जो है अपठनीय, ठीक है, जिसे पढ़ा ना जा सके, इसमें देखो अपठित बिना पढ़ा हुआ अंश, अपठनीय जिसे पढ़ा ना जा सके, क्या, जिसे पढ़ा ना जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन के बजाय आपको तीन क्वेश्चन और इसमें मिल रहे हैं, ठीक है, मौलिक, वास्तविक, अभ्रंश पूछा जा सकता है, इसे बिगड़ा हुआ, अपठनीय जिसे पढ़ा ना जा सके, तो इसका जो है आंसर तो इसका फर्स्ट है, अपठित बिना पढ़ा हुआ, जो पढ़ा ही नहीं गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 49 देखते हैं, 49 है भाषा शिक्षा के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियां का निवारण करना चाहिए, ये क्या है, पेडागॉजी के क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, चार पांच क्वेश्चन यूपी टेट में आई जाते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा है भाषा शिक्षा के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है इसमें वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर जो त्रुटियां हैं उनके, तो इनसे दूर हो सकती हैं, क्या इसका फर्स्ट आंसर सही है, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है, जो बच्चों के अंदर जो है भाषा प्रयोग करें, लैंग्वेज को यूज़ करें, उसको डेवलप करने के लिए क्या जरूरी है, इसमें ऐसा पूछा गया है। तो इसमें जो है उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, ठीक है, तो लैंग्वेज जो यूज़ करेंगे उन्हें जब फ्रीडम होगी, जब उन्हें आज़ादी होगी लैंग्वेज यूज़ करने की, तो तभी उस उनके अंदर जो है वो डेवलप होगी, इसका जो आंसर है फर्स्ट आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो वो कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है, शब्द कहलाया जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जो नेक्स्ट है वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं, वे कथन जो आपसी व्यवहार जैसे हम बोल चाल में घर पर जो प्रयुक्त जो यूज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको अनौपचारिक कहते हैं, औपचारिक उनको कहते हैं जो स्कूल में यूनिवर्सिटी वगैरह में यूज होते हैं, फॉर्मली तरीके से यूज होते हैं, औपचारिक होंगे वो। निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है, ठीक है, अलाहाबाद, अब तो नाम चेंज कर दिया इनका, प्रयागराज, तो अलाहाबाद से पूछा गया है इसमें, निम्न में से किस पत्रिका संबंध इलाहाबाद से है, तो क्या इनमें भी चेंज होगा क्वेश्चनों में भी, पता नहीं, देखो क्या होता है। तो इसमें जो है हिंदी प्रदीप जो है इनका जो संबंध है वो किससे है, इलाहाबाद से है, और इनका संपादन जो है पंडित बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है, यह भी याद रखिएगा क्या है, बाल कृष्ण भट्ट जो है
इनके जो है क्या है संपादन है, ये भी याद रखिएगा, हिंदी प्रदीप के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? सरस्वती पत्रिका के संपादक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, याद रखिएगा, भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। महावीर प्रसाद कौन है? द्विवेदी हैं। जो इस सरस्वती पत्रिका का पत्रिका जो है ये हाँ ये जो ली गई थी 19 इसको बता देता हूँ मैं, किसमें 1903 से लेके 1920 तक इस पत्रिका के संपादन ये रहे हैं, कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 जो है, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है जिसमें कोई मात्रा नहीं हो, वो कौन सा शब्द है? ठीक है, देखो इसमें आ रहा है आ, इसमें मात्रा आ रही है, इसमें भी मात्रा आ रही है, चहचहाना इसमें भी मात्रा आती है, जो ये है कलरव, क्या है? कलरव, ये क्या है? अमात्रिक है शब्द, ये अमात्रिक कलरव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है? इसमें जो है कौन सा अलंकार है? जब एक ही वर्ड की, एक ही जो वर्ण होता है, ठीक है, एक ही वर्ण की जब बार बार आवर्ती, मतलब बार बार आने लगे तो वो कहलाता है अनुप्रयास अलंकार। जैसे तय तनुजा तय 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 तय, ठीक है, ये तय देखो आ रही है, ठीक है, बार बार आ रही है, तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अनुप्रयास अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरित्र मानस, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन कई बार, रामचरित्र मानस में कांड का सही क्रम है? तो इसमें पहले बता देता हूँ, कुल जो थे इसमें कितने 7 कांड थे, ये भी याद रखिए, पूछा जा सकता कितने कांड थे, कुल जो है 7 कांड हैं, ठीक है, रामचरित मानस में कितने कांड हैं? 7 कांड है, बहुत जरूरी याद रखना है तुम्हें। तो इसमें जो है कौन सा उनका जो क्रम सही है, इसमें जो क्रम है सेकंड बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, जो है ये है तुम्हारा सही क्रम, ये इसका आंसर जो है सेकंड आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति हैं? इसकी ये किसकी पंक्ति हैं? तो ये सीधी सीधी किसकी पंक्ति? तुलसीदास की पंक्ति हैं, तो याद रखिएगा ये किसकी? तुलसीदास की पंक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह थोड़ा बीमार है, वह थोड़ा थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा थोड़ा बीमार है, तो थोड़ा कौन सा क्रिया विशेषण है? ठीक है, तो इसमें जो है बीमारी की मात्रा के बारे में बात बताया जा रहा है, किसकी? जो बीमारी है वो कितनी है, उसकी मात्रा कितनी है, उसके बारे में बताया जा रहा है, तो ये क्या है? एक परिणाम है, तो इसमें जो ऑप्शन है परिणामवाचक क्रिया जो है, ये आंसर इसका सही होगा, ए ऑप्शन इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, अमृतलाल नगर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया? ठीक है, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? तो इसमें जो है मानस का हंस जो है इसको आधार बना गया है, इसका ऑप्शन 3 है। तो ये यूपी टेट का जो हिंदी वाला भाग था ये हमने उसमें सॉल्व करा है, ये दोनों पेपर के लिए है, ये प्राइमरी के लिए भी, अपर प्राइमरी के लिए भी। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।